यश, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड नाउ इट्स सल्लू भाई टर्न। मैडम टुसाड में अब कूल डूड सलमान खान भी नजर आएंगे और वो भी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश के साथ। आखिर सलमान को ऐश का साथ मिल ही गया। कहते हैं कि सलमान ने शुरू में अपने स्टैचू को मैडम टुसाड में खड़ा करने से मना कर दिया था, पर अगर फैंस की डिमांड हो तो भला कोई कैसे इनकार कर सकता है। सलमान खान ने उठा दिया है पर्दा अपने मच अवेटेड वैक्स स्टैचू से। लंदन के मैडम टुसॉड्स म्यूजियम के बॉलीवुड सेक्शन में उन्होंने अनवील किया अपना वैक्स स्टैचू। सलमान थे अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ और इस मौके पर सलमान थे बहुत खुश और अपनी खुशी को चाहते हुए भी नहीं छुपा पाए। सलमान पांचवे इंडियन है जिन्हें मैडम टुसॉड्स में जगह मिली है। इससे पहले महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय इस प्रेस्टीजियस म्यूजियम में अपनी जगह बना चुके हैं। God has made two kind of people. The people who can go out and get whatever they want for themselves. There's Shahrukh Khan, there's Aishwarya Rai Bachchan, there's Amitabh Bachchan. And then God has made me underprivileged special. And I'm actually really privileged that because He takes care of me. They take care of themselves. And God takes care of me. खबर थी कि सलमान की खास दोस्त कैटरीना कैफ भी शामिल होने वाली थी अनवेलिंग सेरेमनी में, लेकिन कैटरीना की एब्सेंस ने सभी को चौंका दिया। कैटरीना ने अपनी फिल्म्स की शूटिंग बीच में छोड़ दी थी इस इवेंट में शामिल होने के लिए। कैटरीना सलमान के साथ ही लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन शायद वो किसी भी मौके पर सलमान के साथ नहीं दिखना चाहती है। तभी तो उन्होंने सलमान की जिंदगी के इस यादगार पल का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा। सलमान के साथ साथ उनके सभी फैंस भी इंतजार कर रहे थे दी अनवीलिंग सेरेमनी पर कैटरीना का, लेकिन कैटरीना के एब्सेंस के बावजूद उन्हें साथ मिला एक्स लेडी लव ऐश्वर्या राय का, जिनका स्टैचू भी पास ही है। सलमान ने पहले तो मना कर दिया था इस म्यूजियम का हिस्सा बनने से। खबर थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनका स्टैचू ऐश्वर्या राय के स्टैचू के साथ रखा जाए और इसीलिए उन्होंने मैडम टुसॉड्स के ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि लाखों फैंस के वोट्स ने उन्हें दिलाया है ये हक, तो वो तैयार हो गए अपना स्टैचू बनवाने के लिए। फैंस के साथ साथ खुद सलमान भी है काफी क्यूरियस अपने स्टैचू के लुक्स को लेकर। इस स्टैचू को बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है और इसे पहनाया गया है एक ब्लू डेनिम और नेवी ब्लू वेस्ट। वैसे तो सभी सलमान को उनके फेवरेट बेयर चेस्टेड लुक में ही देखना चाहते थे, लेकिन जब सलमान से पूछा गया कि उनका लुक कैसा होगा और क्या वो सिल्वर स्क्रीन के साथ म्यूजियम में भी अपनी शर्ट उतारने वाले हैं, तो उनका जवाब था काफी इंटरेस्टिंग। It's really cold in London right now. Maybe in the summer sometime. Yeah, I'm sure it's going to look good. I'm sure it would be like one of the best work that they've ever done. सलमान को तो मैडम टुसॉड्स में जगह मिल गई, लेकिन अब देखना ये है कि कौन सा अगला बॉलीवुड सेलेब होगा जिसे इस प्रेस्टीजियस म्यूजियम में मिलेगी जगह। तो पारस कोठारी, जूम, मुंबई।